अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 अप टू 14 डिफाइंड एज, आर इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन किस तरीके से डिफाइन हो रहे हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और है किस सेट में जिसकी वैल्यूज है 1 से लेके 14 तक। अब अगर हम रिलेशन जो है इसमें फॉर्म करें तो रिलेशन हमारा देखो क्या फॉर्म होगा, यहां से 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x, x की वैल्यूज कहां से लेनी है सेट A में से, तो रिलेशन क्या बनेगा, x 1 लिया तो y 3, x 2 लिया तो y 6, x 3 लिया तो y 9, x 4 लिया तो y 12, इन केस इफ आई टेक x एज 5 तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, बट 15 सेट A का एलिमेंट नहीं है तो हम 5, 15 एलिमेंट इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन बना दैट इज 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। अब इसको हमने चेक करना है वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, 1, 1, 2, 2, 3, 3 कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, सिंस इट इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट ऑफ द टाइप ए कॉमा ए सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, ए कॉमा बी इंप्लाइज बी कॉमा ए, 1, 3 जो है दैट बिलोंग्स टू आर, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स रिलेशन जो है दैट इज नॉट सिमेट्रिक। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1, 3 बिलोंग कर रहे, 3, 9 भी बिलोंग कर रहे, तो थर्ड कंडीशन 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belong to R, so it is not transitive. ठीक है, clear? चलें अगले पे। नेक्स्ट, अब आप कोशिश करो करने की, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4, एक्स की वैल्यू लेस देन 4 है और सेट जो हमें गिवन है दैट इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या लेके चलोगे, हाँ 1, 2, 3, रिलेशन बताओ क्या बनेगा, एक्स 1 तो वाई 6, एक्स 2 तो वाई 7, एक्स 3 तो वाई 8, अगेन नो एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए सो नॉट रिफ्लेक्सिव, 1, 6 बिलोंग्स टू आर बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर सो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए है कोई कंडीशन, नहीं है तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी वाली कोई कंडीशन आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो नो नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो।
थर्ड एंड फोर्थ पार्ट योर होमवर्क पार्ट्स सेम वे में करने हैं। फिफ्थ पे आइए अब, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पार्ट ए, रिलेशन आर आपको गिवन है इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए पार्ट कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। रिफ्लेक्सिव होगा एक्स कॉमा एक्स, एक पर्सन को एक पर्सन से कंपेयर करो, ही वर्क्स एट द सेम प्लेस, तो दिस इज ट्रू, तो जो रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई बोथ वर्क एट द सेम प्लेस, दिस इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर आप जैसे दो बच्चे हो, एक ही स्कूल में हो, पहले मैंने बोल दिया कि अंकिता एंड देन आई सेड कि तनवीर, बोथ आर स्टडिंग इन द स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल, इसी को मैं चेंज करके बोलूं तनवीर एंड अंकिता, कंडीशन है वो अभी भी, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पे वो वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे वो वर्क कर रहे हैं, चाहे इनके जिस मर्जी ऑर्डर में हम लिखते हैं। थर्ड, एक्स और वाई एक प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, y और z एक प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन से अबाउट x कॉमा z, चलो गुरसिमरन और तनवीर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तनवीर और सक्षम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन से अबाउट गुरसिमरन एंड सक्षम, बोथ आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल, तो x कॉमा z बिलोंग्स टू r, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आइए इसके, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम वे में होगा ये भी, सेम प्लेस पे रह रहे हैं। अगर थर्ड पार्ट, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बोलो जी होगा कि नहीं होगा ये, रिफ्लेक्सिव होगा, एक पर्सन अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, सिमेट्रिक होगा, एक्स कॉमा वाई, फिफ्थ पार्ट का दिस इज ऑप्शन नंबर सी, एक्स कॉमा वाई, इट मींस एक्स जो है That is taller than y, taller by 7 centimeter than y. Y से वो 7 centimeter बड़ा है, यानी कि x is equal to y plus 7. अब y comma x अगर हम ले, तो it means y जो है that is 7 centimeter taller than x. Are these two representing the same thing? नहीं है ना, क्योंकि अगर let us suppose कि मेरी height आपसे 7 centimeter कम है, तो आपकी और मेरी अगर कंपेयर करेंगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, तो उल्टा नहीं हो जाएगा, जिसकी हाइट कम है वो कम ही रहेगी, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का केस, एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, कितने कितने का डिफरेंस है इनका, 7 7 का, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ एक्स एंड जेड, 14 हो जाएगा, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से कितने सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, तो अगेन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या रहनी चाहिए, x और z का डिफरेंस भी हाइट्स का 7 ही होना चाहिए, ठीक है। सो d एंड e पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट r ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज a कॉमा b, a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. अब आपको जब ऐसे शो करना है, neither reflexive nor symmetric nor transitive, तो simply आप क्या करोगे, different examples ले लोगे और उन examples से आप not वाली condition शो कर दोगे। अब यहाँ मुझे r given है a comma b such that a is less than equal to b square. फर्स्ट क्या है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, अब a कॉमा a, लेट अस सपोज कि मैंने इसको हाफ ले लिया,
ठीक है। अब 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, इज दिस कंडीशन ट्रू? फॉल्स है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मींस ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए कॉमा ए वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर? अब सेकंड लेना है हमें ट्रांजिट सिमिट्रिक। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। आर जो है वो आपका रियल नंबर गिवन है, बाकी कुछ भी आप ले सकते हो। पहले ऐसा लो केस जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जिसमें आपका ए जो है वो लेस देन दिस है, बी स्क्वायर है। क्या ए को 1 ले लूं, बी को 2 ले लूं? ओके, ये बिलोंग कर रहा है आर को, बिकॉज 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर यानी कि 4। अब दिस इंप्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर, विच इज फॉल्स। तो ए कॉमा बी डज नॉट इंप्लाई दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसी तरीके से ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देना है। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, आपने ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ वाला नंबर बड़ा लेना है, ठीक है? यहाँ लेट अस सपोज मैंने 3 ले लिया, 3,2 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ 2, यहाँ वाला नंबर ऐसा लेना है कि जब हम इसका स्क्वायर करें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। टू से बड़ा, बट उसका जो स्क्वायर है दैट शुड बी लेस देन 3। हाँ जी, यहाँ पे 5 ले लूं? हाँ ले सकते हो बिल्कुल, पर ये यहाँ पे फिर 2 नहीं ना चलेगा। 5 शुड बी लेस देन 2 स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं 1.5 लू, चेक करो इसको। हाँ जी, कहाँ पे? ओके, और इधर सेम, तो फिर 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ चेक करो, 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? क्या 15 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। 2.25 इज ग्रेटर देन 2, सेटिस्फाई हो रही है दोनों कंडीशन। बट जब हम इसको लेके चलेंगे तो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 3,1.5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। जहां शो करना है दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे एग्जाम्पल दे दो जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते। एक भी अगर एग्जाम्पल आपने उस सेट में से दे दिया तो इट मीन्स वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव नहीं है। अब नेक्स्ट में चलें। हो गया ये नोट डाउन? आप जरूरी नहीं है यहाँ पे ये नंबर्स लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर्स दे सकते हो। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब सेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हमने लेने हैं। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमिट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमिट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये हमने चेक करना है। और पहले रिलेशन बनाओ, क्या बनेगा, वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं ए की 1 से लेके 6 तक?
ठीक है, तो बी की वैल्यू, अगर ए मैंने 1 लिया तो बी कितना आ गया, 2। ए मैंने 2 लिया तो बी इज 3, 3 लिया तो 4, 4 लिया तो 5, 5 लिया तो 6, 6 लिया तो बी की वैल्यू 7 बनेगी जो सेट में नहीं है, तो ये हमारे गिवन सेट्स आ गए। नाउ इज इट रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। 1,2 डज नॉट इम्प्लाई दैट 2,1 बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 1,3 बिलोंग्स टू आर, सो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव नॉर सिमेट्रिक। चले अगले पे, फोर्थ में शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो गिव द एग्जांपल्स। कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, रिफ्लेक्सिव है ए कॉमा ए, क्योंकि ए जो है दैट विल बी इक्वल टू ए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड चेक करो, सिमेट्रिक है, एग्जाम्पल दे दो इसका। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, 2,3 बिलोंग कर रहे हैं आर को, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2। अब ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हर नंबर के लिए आपकी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये वाला नंबर इससे छोटा होगा, ये सेम नंबर इससे छोटा होगा, तो नेचुरली अगर ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए विल बी लेस देन सी। अब एग्जांपल 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जांपल देने हैं जो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो वो वाले। ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बी स्क्वायर वाला किया था, बी क्यूब वाला है अब आपका, ये सेम ले लो, हाफ ऑफ 1/2 is not less than or equal to 1/2 cube, that is 1/8, so not reflexive. Next, symmetric ka hai ki nahi hai, symmetric ke liye example de do. One comma two belong kar rahe hai R ko, one is less than 2 cube 8, but 2,1 does not belong to R, 2 is not less than 1 cube. अब ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल दे दो, थ्री कॉमा टू, ओके एक सेकेंड, 3,2 लिया आपने थर्ड केस के लिए, तो ये क्या दे रहा है आपको, 3 इज लेस देन 8, ओके। अब यहां क्या लिया, 2,1, ओके 1.5 लिया मैंने, चलो ये आ गया, 2 इज लेस देन 2.25, 1.5 का क्यूब कितना आ रहा है, 3.375। अब चेक करो, 3.375 3 से बड़ा है कि नहीं है, फिर
ये एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते। और कुछ लोग एक काम कर सकते हो, आप यहां पे 4 ले लो, 4 इज लेस देन 8, होगी कंडीशन फॉल्स, डन। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, ए कॉमा ए वाले बिलोंग नहीं कर रहे, देन सिमेट्रिक क्यों है, 1 कॉमा 2 इंप्लाइज 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव, 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 कॉमा 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव शो करना है आपको। एक रिफ्लेक्सिव के लिए एक बुक नंबर ऑफ पेजेस उसी बुक से कंपेयर कर रहे हो, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एज अ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक इज सेम इफ इट इज कंपेयर्ड विद इटसेल्फ ओनली, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यानी कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बी एंड ए आर ऑल्सो इक्वल, तो सिमिट्रिक हो गया। थर्ड कंडीशन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए के नंबर ऑफ पेजेस बी के इक्वल, बी के नंबर ऑफ पेजेस सी के पेजेस के इक्वल, तो ए और सी के भी नंबर ऑफ पेजेस जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्वेलेंस रिलेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्वेलेंस रिलेशन। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 कॉमा 4। अब ये तो वही केस बन गया जो हमने एग्जाम्पल किया था कि क्योंकि डिफरेंस हम लेके चल रहे हैं, डिफरेंस इज इवन यानी कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी जो एग्जाम्पल किया था, सेम केस बन रहे है? ठीक है, तो वही कंडीशंस आपने इसमें शो करनी है। 1 2 3 4 5 है, ए माइनस बी हमें शो करना है दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, तो इवन वाले नंबर्स इवन के साथ लोगे, ऑड वाले नंबर्स ऑड के साथ लोगे, सेम बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह आपका बन जाएगा, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 12 इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्वेलेंस रिलेशन। ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्या क्या बनेंगे एलिमेंट्स? क्या बनेगा रिलेशन, एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके, 1 0 से लेके 12 तक, ठीक है, 0 0 1 1 2 2, डिफरेंस ऑफ सेम नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बनेंगे ये सारे, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड कंडीशन, डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 के साथ 4, 0 माइनस 4 या 4 माइनस 4 इज 0 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट बोलो, 0 के साथ 8, 0 के साथ 12, अब 1 के साथ लो, 1 के साथ 5, 1 के साथ 9, 2 ही बनेंगे, अब 2 के साथ लो 6 और 10, और बीच में अगर कोई मिस हो रहा है तो देख लो। और तो नहीं है, 3 के साथ
सेवन, देन इलेवन, फोर के साथ, फोर के साथ फोर हो गया ऊपर, एट एंड ट्वेल्व, देन एक ही बनेगा, सिक्स के साथ टेन, कहाँ तक है, ट्वेल्व तक है, सेवन के साथ इलेवन और एट के साथ ट्वेल्व। सेम वे में फाइव वन, नाइन वन, सिक्स टू, टेन टू, उल्टा करके भी लिखोगे तो डिफरेंस विल बी देयर। तो सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि वन कॉमा फाइव है अगर, तो फाइव कॉमा वन इज ऑल्सो डिविजिबल, वन नाइन है तो नाइन वन इज ऑल्सो डिविजिबल। अभी एलिमेंट्स और हैं यहाँ पे, मैं लिख नहीं रही हूँ, तो वन फाइव जो है वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है अगर आर को, तो दिस इम्प्लाइज फाइव कॉमा वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सेम एलिमेंट्स सेम नंबर के लिए, मतलब ऐसे कर लोगे। देन ट्रांजिटिव पे आइए, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या लेके चलोगे ट्रांजिटिव के लिए? जीरो फोर बिलोंग्स टू, हाँ जी, वन कॉमा नाइन, वन फाइव, फाइव नाइन, तो वन नाइन बिलोंग करते हैं, ठीक है, हो जाएगा ये। तो दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन, क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस आपकी क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अच्छा, इसमें पहले ये भी बताओ मुझे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ठीक है, वन फाइव एंड नाइन। गॉट इट? चलिए सेकंड पार्ट कर लेना इसका। नाउ मूविंग ऑन टू द टेंथ, टेंथ आल्सो यू विल डू योरसेल्फ। अभी पीछे हमने जितने एग्जांपल्स किए हैं उनमें से आपने मतलब ऐसा रिलेशन उठाना है जो सिमिट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव ना हो, फिर ट्रांसिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव सिमिट्रिक ना हो। तो जस्ट यू आर टू गिव द एग्जाम्पल्स फॉर दिस दैट यू विल गिव योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। दो पॉइंट्स हमें गिवन है पी कॉमा क्यू इस तरीके से कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ऑरिजिन। रिफ्लेक्सिव होगा, विल इट बी रिफ्लेक्सिव? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन, ओ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ऑरिजिन, इक्वल होगा, एक डिस्टेंस को हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं। अब पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज क्यू कॉमा पी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर क्या कह रहा है कि ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, ओ आर क्यू के। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। डिस्टेंस को चाहे हम इधर से उधर मेजर करें या उधर से इधर मेजर करें, तो अगर ये ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी भी आपका सेम रहेगा। थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिव है या नहीं है, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू आर क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ एस ले लो कंफ्यूजन ना हो तो, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। अब इक्वेशन वन क्या कह रही है, ओ पी ओ क्यू के इक्वल, टू क्या कह रही है, ओ क्यू ओ एस के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, यानी कि पी कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू जीरो जीरो इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी
विद ऑरिजिन एज सेंटर, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। देखो पी के साथ मैंने पी लिया, उसको छोड़ दो अभी। पी के साथ मैं अब कोई भी पॉइंट यहां पे ले लू, क्यू लू, आर लू, एस लू, टी लू, क्या बनेगा ये? ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी इज इक्वल टू ओ एस, ओपी इज इक्वल टू ओ टी। लेट अस सपोज कि मैंने ये पॉइंट्स सारे ऐसे ले लिए, ये पी है, ये मैंने क्यू लिया, ये मैंने आर लिया, ये मैंने एस लिया, ये मैंने टी लिया। सारे डिस्टेंसेस फ्रॉम अ सिंगल फिक्स्ड पॉइंट इक्वल हैं, तो व्हाट विल दे फॉर्म? दे विल फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, सो इसके थ्री क्वेश्चंस जो रह गए हैं दैट यू विल ट्राई एट होम, वी विल डिस्कस देम टुमारो एज द बेल हैज गॉन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क।